Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, अगर आप सचमुच में इंग्लिश सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो रोज का रेगुलर वीडियो देखिए, शुरू से देखिए। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आप शुरू से देखिए, मैंने बेसिक के बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं और उसके बाद एडवांस कोर्स के डाले हुए हैं और अभी एक्स्ट्रा एडवांस कोर्स चल रहा है। तो अगर आप शुरू से सीखना चाहते हैं बिल्कुल, तो मेरे चैनल पर जाइए और बिल्कुल शुरू से वीडियो देखिए आप, नंबर वन से। ठीक है फ्रेंड्स, आप ज़रूर इंग्लिश सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द विश एंड एम्बिशन। विश और एम्बिशन, ठीक है फ्रेंड्स। हम किसी से कामना करते हैं कुछ, किसी से हम कुछ चाहत करते हैं, तो उस तरह के सेंटेंसेस को हम किस तरह से बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले हम देखते हैं वो इंग्लिश वीडियो। आर यू नॉट कमिंग फॉर लंच? यस, कमिंग। टुडे आई हैव बाउट वेज बिरयानी, वुड यू लाइक टू टेस्ट इट? श्योर, बट यू आल्सो हैव टू शेयर माय लंच। आई विल। व्हाट हैव यू बाउट टुडे? आई हैव ब्राउट पराठा एंड सब्जी। हैव यू एवर ट्राइड टू कैंटीन लंच? Sometimes I can't eat outside food daily. Me too. Which one have you tried here? Sandwiches are good here, and sprout salad also. I will try sprout salad here. This biryani is really so tasty. Who prepared this? My mom. Oh, that's why it's so tasty. Let's have a lunch and back to our work. Okay, let's go. Okay, friends. चलिए शुरू करते हैं। विश एंड एम्बिशन। विश और एम्बिशन का मतलब होता है कि विश हम करते हैं, इच्छा जाहिर करते हैं किसी से कि भाई आपकी जीवन जो है सुखद हो, आपकी यात्रा सफल हो, सुखदमय हो, आरामदायक हो, इस तरह के हम विश करते हैं। तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, आप एक ही करके समझते जाना। ईश्वर तेरी मदद करे, हम इस तरह की जब सेंटेंस बोलेंगे डायरेक्ट बोलते हैं कि ईश्वर तुम्हारी मदद करे, ईश्वर उसका भला करे, ईश्वर आपकी वैवाहिक जीवन को सुखद करे, मीन्स ईश्वर करके हम बोलते हैं। तो फिर यहाँ पर हम बनाएंगे मे पहले लगाएंगे, ठीक है। मे गॉड हेल्प यू, इतना ध्यान रखो। इस तरह का जब सेंटेंस आए डायरेक्ट ईश्वर करके, या हम किसी से कामना करते हैं, ईश्वर न भी लिखा हो उसमें तो भी, जैसे वह चिरंजीवी हो, वह चिरंजीवी हो, तो उसको हम मे लगाकर हम शुरुआत करते हैं। उसके बाद मे वह है तो सब्जेक्ट लिखेंगे मे ही चिरंजीवी, मीन्स मे ही लिव लॉन्ग। चिरंजीवी का मतलब होता है लंबी लाइफ हो, लंबी जिंदगी हो, ठीक है। तो मे ही लिव लॉन्ग, वह ज़्यादा दिन जिए, वह शीघ्र मर जाए। हम कामना कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, ये कामना ही हुआ कि वह शीघ्र मर जाए। तो मे ही डाई सुन, आप सफल हो तो मे यू बी सक्सेसफुल। मे यू बी सक्सेसफुल, बहुत इजी है। मे लगाओ, फिर सब्जेक्ट लिखो, फिर उसके बाद बाकी की चीजें लिख दो। आपकी यात्रा सुखद हो तो मे यू हैव प्लीजेंट जर्नी। मे यू हैव प्लीजेंट जर्नी, ठीक है, या मे यू हैव नाइस जर्नी, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अब यहां पर है मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं, तो मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं, ये पूरा सेंटेंस अगर आपको बोलना हो तो यहां पर हम इस तरह से नहीं बनाएंगे, बल्कि इसमें हम आई विश लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहां पर हम मैं लगाकर नहीं बनाएंगे, बल्कि हम आई विश लगाकर बनाएंगे। जब मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं, या मैं चाहता हूं कि आप सफल हो, इस तरह से हम बोलते हैं, तो वहां पर हम आई विश लगाते हैं, ठीक है। तो आई विश
यू, यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट लिखने लगा, पहले आई विश फिर आपकी है जिसे हम जिसके लिए हम कर रहे हैं, तो उसका इंग्लिश लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पर आई विश यू सक्सेसफुल या सक्सेस, कि आप सफल हो। मैं कामना करता हूँ कि आप सफल हो, मैं चाहता हूँ कि आप सफल हो, मैं चाहता हूँ कि आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, तो आई विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ, आई विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह के हम कामना करने वाले सेंटेंसेस को बनाते हैं। हम कुछ और एक अलग तरह के सेंटेंस लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अभी मैंने बोर्ड पे कुछ अलग तरह के सेंटेंसेस लिखे हैं, इसमें बनाने में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सेम पिछली सेंटेंसेस की तरह ही है, बट थोड़ा सा फर्क है, आप ज़रा ध्यान से देखना और समझते जाना। मैं चाहता हूँ कि आप मुंबई जाए, मैं चाहता हूँ कि आप मुंबई जाए, इसमें हम आई विश या आई वॉन्ट भी लिख सकते हैं, आई विश या आई वॉन्ट। तो आई वॉन्ट यू टू गो टू मुंबई, यहां पर क्या है आई वॉन्ट यू फिर टू लगा, क्योंकि यहां पे वर्ब आ रहा है, इंफिनिटिव आ रहा है, तो टू गो टू मुंबई। सेम इसी तरह से ये सारे सेंटेंस बनाते जाएंगे। मेरी माँ चाहती है तो माई मदर विशेष या वॉन्ट, दोनों में से हम कोई भी लगा सकते हैं, विशेष या वॉन्ट। तो माई मदर वॉन्ट्स, अब किससे चाहती है कि मैं डॉक्टर बनूं, मीन्स मुझसे चाहती है ना वो, तो मैं डॉक्टर बनूं, तो आई माई मदर वॉन्ट्स मी टू बी अ डॉक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको इसको बनाते वक्त कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल इजी है कि कौन चाहता है उसका लिखेंगे पहले हम, मेरी माँ चाहती है तो माई मदर वॉन्ट्स, ठीक है, किससे चाहती है मुझसे तो मी, फिर उसके बाद इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो माई मदर वॉन्ट्स मी टू बी अ डॉक्टर। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, हम चाहते हैं, तो वी वॉन्ट, किससे चाह रहे हैं हम, आपसे चाह रहे हैं, तो यू आ जाएगा, वी वॉन्ट यू टू हेल्प अस, बहुत ईजी है फ्रेंड्स, ओके। इस तरह के इसी से संबंधित जो भी सेंटेंसेस होंगे इसी तरह से हम बनाएंगे, आई विश या वॉन्ट लगाकर, वॉन्ट लगाकर बनाइए या विश लगाकर बनाइए, ठीक है। मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं, माई फादर वॉन्ट्स मी, मेरे पिताजी चाह रहे हैं तो माई फादर वॉन्ट्स, किससे चाह रहे हैं मुझसे तो मी, माई फादर वॉन्ट्स मी टू बी एन इंजीनियर, माई फादर वॉन्ट्स मी टू बी एन इंजीनियर। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ईजी है, बस समझना है थोड़ा, ठीक है। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।